अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब दोस्त। आज हम बना रहे हैं स्पेनिश आमलेट। तो उसके लिए जो हमारे पास 4 अंडे हैं, एक आलू है बड़े बड़े साइज़ का, और एक प्याज है, सबर धनिया थोड़ा सा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ये हमने आधे कप के करीब इसमें ऑयल डाल लिया, आलू डस शामिल कर लेंगे इसमें। आलू को 4-5 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लेंगे। एक बड़े साइज का प्याज था हमारे पास, जो ग्रीस काट लिया वो भी उसमें शामिल करेंगे। आधे चम्मच के करीब हम इसमें नमक शामिल कर रहे हैं। पाँच से 6 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे पीसा है। आलू जो हमारे हैं बिल्कुल वो गल चुके हैं, अब इनको हम बर्तन में निकाल लेंगे। इसको प्लेट में निकाल के अच्छी तरह इसको ठंडा कर लेंगे। हमारे पास जो अंडे थे वो एक बाउल में इस तरह तोड़ लेंगे। थोड़ी सी इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे पाउडर जो है। हमारे पास सबज धनिया था, एक बारीक सबज मिर्च और थोड़ा सा टमाटर। तो अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब जो है इसमें हम ये बैटर इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। हमारे पास ये जो आधा बैटर है इसमें शामिल कर देंगे। इसको बिल्कुल हल्की आग पे 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। हमारे पास चीज़ है थोड़ी सी, ये शामिल करेंगे इसमें। ये जो बाकी का बैटर था अब हम इसमें ये शामिल करेंगे।
तीन से चार मिनट के लिए हमने इसको पाक पका लिया है। अब इसको ये प्लेट रखकर इसे पलट लेंगे। एक साइड से ये अच्छी तरह से पक चुकी है, अब हम इसकी दूसरी साइड से पलटेंगे। चार से पाँच मिनट बाद से इस साइड को पकाएंगे और हमारा आमलेट जो है तैयार हो जाएगा। ये देखिए जनाब, हमारी दूसरी साइड भी चार से पाँच मिनट के लिए पक चुकी है। अब हम आपको जो है बंद कर लेते हैं और निकाल के देखते हैं कैसा बना हमारा आमलेट। ये देखिए जनाब, हमारा आमलेट जो है माशाल्लाह तैयार हो चुका है।